नमस्कार दोस्तों, मैं भीम बासपुर, प्रेसिडेंट ऑफ बासपुर अनुसूचित जाति स्टूडेंट यूनियन। सबसे पहले आज मैं आप लोगों को तीन बातें बता देना चाहता हूं। सबसे पहला बात तो ये कि कोविड को लेके मैं कुछ बात बताना चाहता हूं, यानी जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसके ऊपर कुछ बोलना चाहता हूं। दूसरा हो गया ब्लैक फंगस और तीसरा हो गया ऑक्सीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये वैक्सीनेशन जो चल रहा है उसके बारे में। दोस्तों, आज वैक्सीनेशन के ही मद्देनज़र मैं आज अपना कोविड का वैक्सीन लगाने आया और कोविशील्ड वैक्सीन मैंने लगा लिया है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे लोग हैं, सफाई कर्मी और हमारे कम्युनिटी के लोग हैं जो वैक्सीनेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका सबसे पहला जो जड़ है इसका, वो ये है कि सबके पास तो मोबाइल है, लेकिन उन मोबाइल में उनको कैसे ये ऐप लेके करना है ये उन्हें नहीं पता। और बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे और जानते हैं, जिन्होंने ये ऐप ले भी लिया है, कोविन बोल के जो ऐप लिया है, वो ऐप में ओटीपी आने में इतना टाइम लगता है कि उस बीच आप नहा के आ भी सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आप selfregister.covin.gov.in, ये जो वेबसाइट है, ये इसका मैं लिंक मैं आपको दे भी दूंगा स्क्रीन के ऊपर। इस लिंक में आप जाइए और ये सरकारी लिंक है। इस वेबसाइट में जाने के बाद आप वहाँ से डायरेक्ट आप अपना मोबाइल नंबर देके ओटीपी तुरंत उसमें आ जाता है। ओटीपी लेने के बाद आप अपना स्टेट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके आप 18 साल के ऊपर वाला वैक्सीन लेना चाहते हैं या 45 साल के ऊपर के आप हैं उस कैटेगरी में आप क्लिक करके आप आराम से अपना बुकिंग करा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये वेबसाइट से करना नहीं आ रहा है, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि हर गली मोहल्ले में पढ़े लिखे लड़के रहते हैं, लड़कियाँ रहते हैं, तो उनका ये अब दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में वो बताएं और खुद बहुत सारे लोगों का ये रजिस्ट्रेशन कर भी दें। दोस्तों, एक ही मोबाइल नंबर से आप बहुत सारे लोगों को ऐड करके सबका बुकिंग करा सकते हैं। और याद रखिएगा, ये जो बुकिंग का जो स्लॉट है, जो टाइमिंग है, वो हमेशा अवेलेबल नहीं रहता, यानी सुबह के समय आप करा सकते हैं या फिर शाम के समय, बाकी हर समय में ये नॉन अवेलेबल ही दिखाई दिया जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिनके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, और जिनके पास नहीं भी है, उनको अपने मोबाइल से उनके मोबाइल नंबर लेके या अपने मोबाइल नंबर से भी ऐड करके उनका रजिस्ट्रेशन कराएं। क्योंकि अभी जिस तरह से थर्ड वेव भी आने वाला है, तो कोविड का वैक्सीनेशन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरा बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ब्लैक फंगस लेके बहुत सारे लोग हमारे चिंता में आ गए हैं और बहुत लोग डर रहे कि ब्लैक फंगस उन्हें भी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बाकी लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है ब्लैक फंगस से। और ब्लैक फंगस के लिए दिन में 4 इंजेक्शन देने पड़ते हैं, तो वो इंजेक्शन भी अब विदेशों से आ रहा है भारत में, और बहुत जल्द ये इंजेक्शन का जो कमी है ब्लैक फंगस को लेके वो भी दूर हो जाएगा। तो ब्लैक फंगस को लेके ज़्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। तीसरा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑक्सीमीटर को लेके बहुत सारे अफवाह फैल गए हैं और आजकल सभी लोग खुद ही खुद डॉक्टर बनना चाह रहे हैं। हर फार्मेसी में जगह जगह लोग जाके ऑक्सीमीटर खरीद के ला रहे हैं, और ऑक्सीमीटर को लाने के बाद वो अपना ऑक्सीजन जो है वो चेक करते हैं, यानी अगर किसी का 95 से अगर कम है तो वो सोचते हैं कि अगर 95 से अगर ज़्यादा है तो वो सेफ है, और 95 से कम है तो उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इसी डर से बहुत सारे लोगों ने ऑक्सीमीटर खरीदना शुरू कर दिया। जब मोदी जी ने कहा था कि आपदा को अवसर में बनाना चाहिए, तो बहुत सारे बदमाश लोगों ने इस बात को गलत तरीके से ले लिया, और उन्होंने क्या किया कि नकली माल बेचने लगे और ब्लैक में सामान बेचने लगे, और उन्होंने आपदा को इस तरह से वो अवसर में कन्वर्ट किया। तो मैं दिखा देना चाहता हूँ, मेरे पास एक ऑक्सीमीटर है। ये ऑक्सीमीटर जो है, अगर जब मैं इसको फिंगर पे लगाता हूँ अपना, तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये 96 दिखा रहा है आपको, लेकिन जब मैं इसी ऑक्सीमीटर को ये चम्मच डाल के दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्ट दिखाई रहा है कि फिंगर आउट। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑक्सीमीटर है ये ओरिजिनल है। तो आप जब भी ऑक्सीमीटर खरीदना चाह रहे हैं तो आप ऑक्सीमीटर को चेक कर लें दुकान में, उसके बाद ही खरीदें, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। और बहुत सारे ऑक्सीमीटर ऐसे भी नकली है जो बिस्किट का और चम्मच का भी ऑक्सीजन ये दिखा देते हैं, यानी उनके हिसाब से ये भी जिंदा है, लेकिन ये ऑक्सीमीटर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए ऑक्सीमीटर की जानकारी होने के लिए आपको फार्मेसी में जाके ही चेक करना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाएं। पहला वेव जब आया था कोविड का, तो उस समय काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं थी, इसलिए वो कोविड से काफ़ी डर रहे थे, टेस्टिंग नहीं करा रहे थे। लेकिन अब लोग टेस्टिंग करा रहे हैं, और आप भी लोगों को बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करें, क्योंकि ये अब टेस्ट कर लेते पहले तो आप बहुत लोगों को कोरोना फैलने से भी बचाएंगे और खुद का भी इलाज करके खुद भी ठीक हो जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाएं और उनकी मदद कराएं, और ऑक्सीमीटर के चक्कर में बिल्कुल ना रहे, क्योंकि आप खुद तो डॉक्टर है नहीं। जब भी आपको कोरोना का लक्षण आपको दिखाई देता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। इसी के साथ मैं अपने बासपुर अनुसूचित जाति स्टूडेंट के तरफ से सभी सफाई कर्मियों को
लड़कों को बता देना चाहता हूँ कि अपने गांव में जाके मदद करे, रजिस्ट्रेशन कर